स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों। दमोह से आ रही सिल्वर रंग की संदिग्ध स्विफ्ट कार को थाना विजयनगर पुलिस ने रोका और जांच में कार से नकद 30 लाख रुपए जब्त किए। थाना विजयनगर पुलिस ने राकेश कोल, मौसम यादव और अशोक ठाकुर को पकड़ा और उनसे पूछताछ कर रही है। पेट्रोलिंग के दौरान जांच में कार्टून में रखी थैली से 500 के नोटों की 60 गड्डियां मिली, जो कि 30 लाख रुपए थे। जब इन नोटों के कोई दस्तावेज नहीं मिले तो पुलिस ने कार समेत थैली में मिली रकम को जब्त कर लिया। पूछताछ अभी जारी है। जबलपुर से अशोक रावत की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुभागीय दंडाधिकारी के द्वारा आए दिन निर्देश दिए जाते थे पेट्रोलिंग एवं चीता को कि संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग किया जाए प्रतिदिन, जिस पर कल पेट्रोलिंग द्वारा एक संदिग्ध वाहन की चेकिंग की गई थी, जिसमें कुछ कार्टून और थैली में कार्टून रखा हुआ था, जिसको चेक करने पर कुछ नकदी बरामद हुई थी। इसमें 500 की 60 गड्डियाँ थी, एक गड्डी में 100 नोट थे, जिसको पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई कि ये नकद कहाँ से लाया गया है, जिसका सही और उचित वैधानिक जवाब ना देने पर पुलिस द्वारा 91 का नोटिस देकर के थाने लाया गया। आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं कि ये कैश कहाँ से आया है उनके पास में, और जिसे 102 में थाना विजयनगर द्वारा जब्त किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने रुपए इसमें थे, कौन लोग लेके आ रहे हैं? ये इसमें 30 लाख रुपए थे और इसमें 3 लोग थे जो स्विफ्ट कार थी उसमें दमोह से लेके आ रहे थे ये, और इनमें राकेश कोल है, मौसम यादव है और एक अशोक ठाकुर है। इनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई कि कहाँ ले जा रहे थे? अभी तो पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा कहां से कहां ले जाया जा रहा था, बाकी इतनी जानकारी है कि दमोह से लेके आ रहे थे ये।